है और अभी अभी आपने कहा भी है कि वो कौन कौन रहे वो कुतिया लेके घूमत रही। तो देखा बात तो बहुत बाटे, एक लाइन हम बताई दे थे मास्टर साहब, वो एक लाइन की थे ही बीच में कहना है मोर देहिया भइल बा पियर हरदी, लेकिन मेरा कहना है बाबूजी, अरे देखा है मैं चिकन चाका हूँ, यह मैंने नहीं कहा था, अरे देखा है मैं लागई इता बहुत सुघारी रे इता मुसावा से हार गई थी लार फुहारी रे बजाय की झगड़ा जी लगाई, हम इन्हें ना कहा था। एक अर्थ हम बताओ कि हमारे पल्ले एक जवाब अंतरे में एक लाइन कहना है बाबू जी, रहे पाच भड़ुआ एक ठिहार देते सुन काहे बड़े भाई साहेब मार कर हुए है भाई, वो पहलवान मनई है ना उनसे हम लड़त तो जीत भाई मार देना पड़ा। कहा सब लोग ये बाटे सुघरी और लेकिन मुसवा से हार गए बिलार बड़ी फुहरी, रहे पांच भड़ुआ वो हमें एक हर जाई। सुने वाले बाबूजी, रहे पांच भड़ुआ वो हम एक हर जाई, और ये मूस के है और ये बिलार के है। सुने वाले बाबूजी, मूस है मन, मूस है मन और बिलार है शरीर, इतनी बड़ी शरीर बा और नान के बा, मन नान के बा लेकिन वो पूरे शरीर पर कब्जा किए रहा था बाबूजी, और जवन कहा था वही शरीर रूपी बिलार, मन रूपी मूस जवन कहा था वही शरीर रूपी बिलार बाबूजी करत है। तो मन से यह शरीर हारी है बाबूजी, जेल में जाते। हाँ सही बात है मन, हाँ मन के कारण बाबूजी। सुने वाले बाबूजी, रहे पांच भड़ुआ वो हमारे कई हर जाई, पांच भड़ुआ कहाँ है, काम क्रोध माद लोभ मोह, यह पांठी भड़ुआ है। हाँ ये पांठी भड़ुआ है ना, इन्होंने सबसे क्रूर है नहीं दुनिया में, इन्हें बिना पियनी का लोटा है, और वहां एक हर जाई बा वही है माया का दुनिया, यही पांच भड़ुआ सबके ठगनी बनाई के ठगत बा बाबू जी, और वही जो माया की दुनिया है, जो माया है बाबू जी वही हर जाई है, यही जो काम क्रोध मद लोभ मोह यह पांठी भड़ुआ है। तो इन्होंने के बीच में ये संसार भटकता, अन्यथा आप लोग बात मत लीजिए, एक शब्द रजनी जी ने कहा था, नाने मास्टर एक शब्द इन्होंने कहा था कि नकुल के का मतलब क्या होता है, अगर ये जानकारी ना हो तो अपने गुरु से पूछ लिया, नकुल का ढेर मतलब होता है, एक ही हम बतावत है अब एक ही तू बताओ भैया हो, एक ही हम बताओ था एक ही आप बताओ, ये बोले कि कवि जी सच्चाई है
कि हम तो कम जानकारी हो लेकिन इनकर गीत है इन्हें तो जानकारी हो गई करे और हमसे ज्यादा जानकारी हो, इसलिए कि जो कवि सवाल लिखते हैं उनका जवाब भी कवि लिखते हैं रखते हैं बाबू जी। पहले सवाल होता है, पहले जवाब होता है, तब उसमें से सवाल खोजा जाता है। नकुल का मतलब उसमें से राम और सीता हनुमान सभी थे। तो जहां तक मेरा ख्याल है सीता जी पैदा हुई थी इस धरती से बाबू जी, सीता जी इस धरती, एक मिनट कवि जी, सीता जी इस धरती से पैदा हुई थी और इतना ही ना समझ में आवत कि वो रावण जो था लंका का राजा वो ऋषि महात्मा का खून लई आय के गगरी में भर के धरे रहा लंका में मंदोदरी से कहा यह मां जहर व एका कहो पियो मत। तो वह मंदोदरी एक दिन देखे रावण दूसरे औरत के साथ में बाबूजी कुलेल कर रहा था, तो मेहरारू सब कुछ बर्दाश्त कर सकती लेकिन काठे को सवत बर्दाश्त मंदोदरी के लग गए गुस्सा। तो वह घड़ा के पूरा रक्तवय लिहेस पी और जब पी लिहेस तो जब गर्भ रही गवा तब रावण से दिहेस बताए, तो रावण अपने गर्जना के माध्यम से वो गर्भ को गिरा दिया और घड़ा में भर के ले जाके जनकपुरी की धरती पर गाड़ दिहेस। और जब राजा जनक जी हल जोत रहे थे तो वही हल से बाबूजी उ घड़ा से सीता जी के जन्म भर। तो हमरे ई बात के आप लोग जरा समझें कि अब सीता जी के जन्म भर पता नहीं वो महात्मा के कुल से रहीन कि पता नहीं रावण के कुल से रहीन कि पता नहीं जनक के कुल से रहीन, इनकर कुल खानदान कहीं पर मिलता नहीं, इतना ही मिलता है कि ये शक्ति थी। तो जो ना कुल से हो उसी को नकुल कहते हैं, ये हमारी ओर से मिला है। अब बाकी जो भी बात हो आप लोग एक उधर से सुन ली है, नकुल से हो। हाँ नकुल से, जिसका कोई कुल नहीं है वही नकुल है बाबू जी। और वैसे हनुमान जी पैदा भर है, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन 49 पवन में से कवन बाप उनका असली रहे आप तक कोनो पता नहीं, नहीं चला बाबू जी बाबू मालूम बा भैया हो। और वैसे ये पांचों पांडव भी रहे, और वैसे लक्ष्मण जी रहे राम लक्ष्मण ये सब खीर खाए से पैदा भर है। तो इन्हें सबके रघुवंशी कुल कहा जाए कि इन्हें सबके कौन कुल कहा जाए बाबू जी? तो भैया हो एक कितनी सुंदरी बाबा विश्वनाथ के काशी नगरी। हमारे यहाँ इलाहाबाद प्रयाग में हर साल महाकुंभ लगे जाता, यही बदे हमारे इलाहाबाद के गवैया गाँव थी। अरे महातम प्रयाग राज का सबसे है गंभीर मितव। अब इलाहाबाद काशी के बीच में एक नगरी और बात, अरे काशी यौ प्रयाग के, काशी यौ प्रयाग के बिचवई में 84 नगरी, काशी यौ प्रयाग के बिचवई में 84, काशी यौ प्रयाग के बिचवई में 84 नगरी, यह विंध्याचल से लेते हुए लाछागिर तक। बाबूजी बात बताई गई काशी यौ प्रयाग के बिचवई में, क्यों क्यों गवैया गांव थी, कितना सुंदर भारत माता के तस्वीर सजनी। लेकिन यहाँ पर कवि ने नदी और पर्वत के नाम को लिखा है, कहना है बाबूजी अरे पावन पवित्र बहेला, पावन पवित्र बहेला गंगा जमुना नीर सजनी, पावन पवित्र बहेला गंगा जमुना नीर सजनी। नदियों का नाम दिया गया, जरा नोट करेंगे बाबूजी आप सब, कहना है सोन के नवाय रावी बहे चुनार की धारा, सोन के अरे ब्रह्मपुत्र हिमगिरि, ब्रह्मपुत्र हिमगिरि से निकली मिल बंगाल की खाड़ी, ब्रह्मपुत्र हिमगिरि से निकली मिल बंगाल की खाड़ी।
मीतपन शीतल बहे समीर मीताऊ साही प्रीत मीतपन। सुनने वाले बाबूजी भाव देना पड़ा, कहना है, कवि को लिखना पड़ा, गीत के अंदर भाव देना पड़ा। इत नदी का नाम रहा, अब आ जा पर्वत पर, कहना है बाबूजी, प्रहरी है नगराज हिमालय माउंट एवरेस्ट की चोटी, प्रहरी है नगराज हिमालय माउंट एवरेस्ट की चोटी। सुनई वाले बाबूजी एक कई बात पर, ये जो सुनत है कलाकार के लिए अपना समय अपनी नींद की हत्या कर रहे हैं, इनसे बड़ा दोस्त एक कलाकार के लिए और कोई नहीं हो सकता। आखिरी लाइन में सबसे प्रारंभ की लाइन रहेगी और उसके पहले मंच पर बैठे हैं श्रीमान जोखन कवि जी, हम आपसे चाहेंगे, अभी अभी यहाँ पर कार्यक्रम था श्री हनुमान जी के मंदिर पर, तो आप आए थे उस मंच पर और आपसे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, हम आपसे चाहेंगे माननीय जोखन कवि जी से कि आप एक मिनट के लिए मंच पर आ जाए, हम आपका सम्मान कर दें। एक बार तालियों से आप सब सम्मान करेंगे माननीय कवि जी का, क्योंकि पूरे पूर्वांचल की धरती पर ये नहीं है कि रजनी जी से कार्यक्रम है तभी कवि जी का आशीर्वाद मिल रहा है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। सुने वाले बाबू जी की बिरहा जगत की प्रथम महिला कलाकार, हमारे इलाहाबाद जनपद की एक कलाकार उमा बैरागन जी, और उसके बाद पूर्वांचल की धरती से एक गायिका बिरहा जगत में महिला गायिका गीता त्यागी जी, और आप ही की देन है कि वो बिरहा जगत में, और आप ही की देन है कि बहुत सी गायिकाएं और बहुत से गायक गा रहे हैं। हम इसके लिए आपको सम्मान करते हैं बाबू जी कि बिरहा जगत डूबने वाला था, धन्य है इलाहाबाद की धरती और धन्य है स्वर्गीय बाबू रामाधार यादव जी जिसने बिरहा जगत में महिलाओं को ला करके, और धन्य है कवि श्री जोखन कवि जी जिन्होंने सहयोग दिया और बिरहा जगत एक बार फिर से ऊंचाइयों को बाबूजी चूमने लगा है, और हम कवि जी के लिए ये सम्मान हमारी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, कहना है लास्ट लाइन में, पावन पवित्र गंगा